हेलो एवरीवन वेलकम टू योर एडुकेटर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का और एनसीआरटी से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है और उससे हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सर्फेस डिपेंड्स ऑन सबसे पहली बात कि स्कीप स्पीड होता क्या है जैसे आप ये अर्थ कंसिडर करते हो तो अर्थ हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अपनी तरफ विथ वॉट मिनिमम स्पीड इट शुड भी प्रोजेक्टेड फ्राम द अर्थ सर्फेस सो दैट इट इज एबल टू लीव द अर्थ सर्फेस एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड द स्केप स्पीड और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई आर होता है जिस वैल्यू का हम लोग टू आर जी भी लिख सकते हैं साथ ही साथ अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सर्फेस से एच हाइट ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं तो स्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये चेंज हो जाता है मतलब एच हाइट ऊपर से अगर इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं अर्थ का रेडियस आर दिया हुआ है तो निकालने का तरीका होता है कि इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी जी कैपिटल एम ए स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लॉजिक कहता है कि स्केप स्पीड से थ्रो करने पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वैल्यू रहता है अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच टू जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच हो जाएगा अब देख सकते हो जैसे इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन को चेंज करने से जो स्केप स्पीड है इसका वैल्यू क्या हो जाता है बदल जाता है तो विच ऑप्शन वुड बी प्रेफर्ड बाय यू तो ऑप्शन नंबर थ्री अगर देखेंगे तो थ्री नंबर ऑप्शन दिया है यहाँ कह रहा है द हाइट एंड लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च इस बात पर डिपेंड करता है क्या स्केप स्पीड होता है ऑब्जेक्ट का ये डिपेंड करता है बॉडी के माँ से इनडिपेंडेंट है एम तो कैंसिल हो जा रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होता है इससे भी क्या होता है इनडिपेंडेंट होता है

R and 3 R दिया हुआ है, देखो लॉ से बड़ा हमने टी ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसका होता है आर क्यू और अगर दो रेडियस दिया है ना तो टी ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर वन प्लस आर टू दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो इसका पावर थ्री तो टी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से टू हट जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा तब पावर का वैल्यू हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा सो इफ इज सिंपली पुट द वैल्यू तो आर वन का वैल्यू कितना हो जाएगा आर हो जाएगा और आर टू का वैल्यू थ्री आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू इस पूरे का पावर थ्री बाई टू सो थ्री आर प्लस आर कितना हो जाएगा फोर आर डिवाइडेड बाई टू इसका पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू ये वैल्यू फोर आर बाई टू हो जाएगा टू आर और इसका पावर कितना हो जाएगा थ्री बाई टू सो द टाइम पीरियड इज पर टू टू आर टू दावर थ्री बाई टू ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर एक कैपुलर स्लॉपे बेस्ट क्वेश्चन था जहां पर टाइम पीरियड जो होता है उसके स्क्वायर रेडियस के क्यूब का प्रोपोसनल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है बोला है कि टू पॉइंट मास स्मॉल एम एंड नाइन एम आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी ऑन ए लाइन थर्ड पॉइंट मास वन के जी इज टू बी प्लेस एट अ पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज जीरो द डिस्टेंस ऑफ वन के जी मास फ्रॉम एम इज देखो नेट फोर्स जीरो की अगर बात करना है तो नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है इसके ऊपर में दो फोर्स लग रहा होगा और दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे रहा होगा बैलेंस कर दे रहा होगा एम मास डिस्टेंस है तो नाइन एम से कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स हो जाएगा इसको एम लेफ्ट तरफ अट्रैक्ट करेगा और नाइन एम मास राइट की तरफ अट्रैक्ट करेगा लेफ्ट की तरफ एफ वन फोर्स से अट्रैक्ट किया और राइट की तरफ एफ टू फोर्स है नेट फोर्स जीरो होने के लिए दिस एफ वन फोर्स शुड बी इक्वल्स टू एफ टू F1 का वैल्यू F2 के बराबर होना चाहिए और ये कितना होगा G हो गया M हो गया मास वन के जी और डिस्टेंस एक्स है तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वही राइट right साइड में कितना हो गया G और मास के वैल्यू कितना दिया है नाइन एम और दूसरे वाले का वन दिया है लेकिन डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो ये कितना है D माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया है तो G से G कैंसिल हो गया M से M कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड दैट इज equals टू नाइन का कितना हो जाएगा थ्री और नीचे में कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर सो यू विल राइट वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स सो डी माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स तो डी का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा फोर एक्स का वैल्यू डी के बराबर हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी बाई फोर कितना हो गया वैल्यू डी बाई फोर हो गया सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन तो डी बाई फोर डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे मा सेम से तो उसके ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो उसके ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस्ड है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस इज टेन मिली न्यूटन और बोला है कि वैक्यूम में बात हो रहा है इफ बोथ द मासेज आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड एट द सेम डिस्टेंस देन द न्यू फोर्सेस देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है अगर ये ग्रेविटी में रखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो कहाँ पे वैक्यू में कैलकुलेट कर रहे हो या किसी मीडियम में बात कर रहे हो तो बीच में कुछ भी आ जाएगा ना यहाँ पे ये मीडियम जो होता है ना उससे कोई असर नहीं होता है ये कैसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू होता है दिस फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट इस बात मीडियम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है तो पहले टेन लग रहा था बाद में भी फोर्स कितना लगता रहेगा टेन ही फोर्स यहाँ पे लगता रहेगा पांच क्वेश्चन हो गया छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बोला है कि आ, थ्री इक्वल मासेस थ्री के जी इच फिक्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राएंगल कहाँ पर रख दिया गया इक्वलेटरल ट्रैंगल पर रख दिया गया कुछ इस तरीके से सब का मास कितना दिया है ये भी दिया थ्री के जी ये भी कितना दिया है तो ये भी थ्री के जी दिया है और ये भी कितना दिया है थ्री के जी दिया पूछा जा रहा है भट्टी से एक ए ए बी बी एंड एंड सी सी पे रखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेस्ड एट द अभी पे एक मास रख दिया हमने और उस मास पे कितना नेट फोर्स लगेगा ये कैलकुलेट करके आपको बताना है और साथ ही साथ ये भी बात दिया है कि इस जगह पे जो मास रखा है इसका वैल्यू कितना दिया है टू के तो जाहिर सी बात है दो के का मास है इसको इधर अट्रैक्ट करेगा इसको थ्री के इधर अट्रैक्ट करेगा और थ्री के इधर अट्रैक्ट मतलब करेगा यहाँ पे तीनों का तीनों जो मास दिया है पियर ये भी तीन के जी ये भी तीन के जी ये भी तीन के जी तो ये तीनों की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा वो बराबर होगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया है वो तीनों के लिए कैसा है बराबर है और क्योंकि ये तीनों के लिए डिस्टेंस के वैल्यू बराबर दिया है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल दिया है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा वन डिग्री हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा वन डिग्री अब ये तीनों का तीनों बराबर है और तीनों इक्वल एंगल पे लग रहा है इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्यों जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्लोज लुक का फॉर्मेशन करेगा या फिर आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो इधर में नीचे अगर कंसिडर कर लेते हैं फोर्स का कंपोनेंट के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है तो नेट जीरो हो जाएगा ये कैलकुलेशन हमने पहले भी किया होगा तो ऐसा तीनों इक्वल लग रहा है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे तो जीरो फोर्स इस जगह पर ये प्रोड्यूस करेगा

कि मैक्सिमम हाइट जब कैलकुलेट करना है तो अर्थ सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ध्यान रखना अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो और मान लेते हैं इस हाइट पे गया है तो ये हाइट एच हो गया तो इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वही क्या हो जाता है इसका डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इस पॉइंट में पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जीरो और यहाँ पे है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर तो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी को घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को तो कितने के बराबर होगा काइनेटिक के बराबर मतलब नीचे में काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ एम वी स्क्वायर है और ये वैल्यू कितने के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होता है एम जी एच डिवाइडेड बाई कितना होता है वन प्लस एच बाई आर होता है मास एम सेम क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे तो का, मतलब कैंसिल कर देंगे वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर ओ टू जी एच डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वन प्लस एच बाई आर ना हो जाएगा और v का जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा आपका टू जी एम बाई आर हो जाएगा कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा टू जी एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आर हो जाएगा इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा टू जी एच और ये कितना हो जाएगा वन प्लस एच बाई आर हो जाएगा दोनों साइड जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा टू जी एम डिवाइडेड बाई कितना है आर है इजिक्वल्स टू टू एच को छोड़ दो वन प्लस एच बाई आर है इसको भी रहने दो और जो यहाँ पे जी होता है जी का वैल्यू कितना पुट करते हैं जी का वैल्यू होता है जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया जी एम से ये जी एम कैंसिल हो गया ये जो फोर है इसको टू टाइम्स कैंसिल हो गया ये वैल्यू कितना हो गया वन बाई टू इज टू हाउ मच टू एच और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आर इन टू वन प्लस एच बाई आर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आर इन टू वन प्लस एच बाई आर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा फोर एच हो जाएगा आर प्लस एच इजिकल्स टू कितना हो जाएगा फोर एच हो जाएगा आर के वैल्यू फोर एच माइनस एच कितना हो गया थ्री एच हो गया इसका मतलब हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा आर बाई थ्री ना हो जाएगा जो भी रेडियस है आपका अर्थ का अर्थ के रेडियस का कितना हो जाएगा वन थर्ड हो जाएगा सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक फॉर्मुला का रिवीजन हो गया अपना ये फार्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि, कि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं कितना हाइट ऊपर जाता है तो टू जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई अ बॉडी ऑफ मास एमॉल इज रेस्ट फ्रॉम अ हाइट फोर आर ई फ्रॉम द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस से इतने हाइट पे ले जाते हैं तो डायरेक्टली याद रखना है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर एच का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है एच का वैल्यू दिया हुआ है फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वन प्लस एच की जगह पे क्या लिखना है फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है ये और ये कैंसिल हो जाएगा नीचे फोर वन फाइव और ऊपर में हो गया फोर ये हो गया फोर बाई फाइव टाइम्स एम जी रेडियस ऑफ अर्थ एम जी आर ई हो गया अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया आठवा नंबर क्वेश्चन है, है, है बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल इच ऑफ मास प्लेस वर्ट इस देखो सबसे पहले बात होता है कि पोटेंशियल एनर्जी दो मास अगर दिया है आपके पास एक मास एम वन और दूसरा मास M2 दिया है और डिस्टेंस आर दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू बाई आर होता है दो के लिए और जब दो से ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर का फॉर्मेशन करते हैं कितना पेयर यहाँ पे बन जा रहा है ये स्क्वायर हुआ इसके हर एक वर्टिसेस पे क्या रखा हुआ है तो हर एक वर्टिसेस पे मास एम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि हर एक में मास एम आपका दिया हुआ है तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी तो देखो एक पेयर ये बन जाएगा इस केस के बीच में और ऐसा ऐसा कितना पेयर बनेगा ऐसा ऐसा चार बनेगा तो उस चार का हो जाएगा और साथ ही साथ डायगेनली अपोजिट जो मास रखा हुआ है इसका भी पेयर बनेगा एक पेयर इसके इसके बीच में और एक पेयर इसके इसके इस बीच में चार पेयर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कौन कौन सा साइड लेंथ जो इसका ए दिया है वो पेयर मिलेगा कितना चार मिलेगा और साथ ही साथ डायगोनल वाला कितना मिलेगा तो डायगोनल वाला पेयर दो मिलेगा तो इसका अगर डिस्टेंस साइड लेंथ ए दिया है तो डायगोनल हो जाएगा रूट टू ए और ये वाला ये हो जाएगा यू की बात करेंगे तो फोर टाइम्स दिया हुआ है कौन सा ए डिस्टेंस वाला और ए वाला कितना हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ए ना हो जाएगा फोर टाइम्स माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए हो जाएगा और डायगोनली अपोजिट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा टू टाइम्स और ये कितना हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा रूट टू ए हो जाएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं ना जी एम स्क्वायर बाई ए को अगर हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा फोर और प्लस में कितना हो जाएगा ये जो रूट टू है इससे टू को कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा रूट टू खत्म तो कितना बचेगा फोर प्लस रूट टू बचेगा ना तो ये वैल्यू होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दो मास के लिए कितना होता है माइनस जी एम एम टू बाई आर होता है और मोर देन टू होता है तो दो दो का पेयर बनाते हैं जैसे अब तीन है तो तीन वाले में कितना बनता है तीन पेयर चार वाले में छह पेयर बनता है यहाँ पे देखना है कितना दो दो लोग का पेयर हम इसमें बना सकते हैं तो यहां पे पता चला कि स्क्वायर वाले में बना दो डायगेल वाले में और चार होना है एज के लॉन्ग बना जो ए ए डिस्टेंस पे दिया हुआ है तो इसका आंसर हो गया माइनस एम स्क्वायर बाई ए फोर प्लस रू टू मतलब ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ मूविंग अहेड अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन अगले सवाल की तरफ ये जो क्वेश्चन दिया हमारा इसमें क्या कह रहा है कि सैटेलाइट है जिसका मास कितना दिया है स्मॉल इज इन सर्कुलर ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना दिया है टू आ दिया अराउंड द अर्थ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट इन रेडियस आर टू का वैल्यू फोर आ रही दिया है मतलब पहले से इसको रखे हैं कहाँ पे ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ में और दूसरे केस में इसको ट्रांसफर कर दे रहे कितना फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ में सबसे पहला बात जान लो कि सैटेलाइट जब मोशन करता है इसका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखेंगे ये होता है माइ ये काइनेटिक एनर्जी होता है वन बाई टू जी कैपिटल एम इन टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर ये होता है काइनेटिक एनर्जी वहीं पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का तो ये निगेटिव में हो जाता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना होता है आर होता है और टोटल एनर्जी की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कितना हो जाता है टू आर हो जाता है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी अब यहां पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ये आपको याद रखना चाहिए काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर और टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर जब इसको आप ट्रांसफर करते हो तो एनर्जी क्या करेगा चेंज करेगा ना तो जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे वो कितने के बराबर होगा दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन एनर्जी ई टू माइनस ई वन और ई टू कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना होगा ट्वाइस ऑफ और सेकेंड इसका रेडियस कितना है फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ दिया है ना दैट इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ माइनस में कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये वैल्यू हो जाएगा टू टाइम्स और रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है कितना हाइट पे है जिस रेडियस में मूव कर रहे हैं वो टू आर ही दिया हुआ है टे टू आर ही कर दिया यहाँ पे तो घटाएंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर हो जाएगा तो ये माइनस को छोड़ दो प्लस वाले को इधर लिखो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू टू जाोर टाइम्स रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम हो जाएगा और ये कितना होगा फोर टू जाट टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा यहाँ से इसको घटा दोगे तो कितना मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम मिलेगा डिवाइडेड बाई एट टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है अगर ये आंसर जी में दिया है तो आप जानिए जब भी ऐसा दिया दियाचुएशन तो हम जानते हैं कि जी का वैल्यू कितना होता है कैपिटल जी एम बाई कितना होता है आर स्क्वायर होता है ना तो कहीं भी G और कैपिटल M लिखा हो कैपिटल G कैपिटल M इसको स्मॉल g r स्क्वायर से आप रिप्लेस कर सकते हो इस स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करके स्मॉल जी इजिकल्स टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर तो जी एम कितना हो गया स्मॉल g r स्क्वायर अब यहां पे जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये ये वैल्यू होगा जी आर स्क्वायर हो जाएगा इन टू स्मॉल एम हो गया और नीचे कितना होगा एट टाइम्स आर दिया है ये ऊपर में कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू तो वैल्यू आ जाएगा एम आर जी या फिर एम जी आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एट हो जाएगा एम जी आर डिवाइडेड बाई एट सो द ऑप्शन नंबर थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये दिया है क्वेश्चन नंबर टेन हमारा तो ये क्वेश्चन करने के साथ ही फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का कंप्लीट हो जाएगा इसमें कह रहा है कि इफ़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इफ़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ वी नॉट सबसे पहली बात होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब भी आप लिखते हो तो इसका वैल्यू होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे इसका मास अगर एम लिखा हुआ है तो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू होता है माइनस जी एम बाई आर होता है इसका वैल्यू कितना दिया इसने वी नॉट दिया हुआ है की वजह से एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या होता है और दूसरा पॉइंट मास की तरह इसको ट्रीट करना है कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट पे को मास की तरह ट्रीट करना है और पॉइंट मास के वजह से भी पोटेंशियल कितना होता है माइनस जीएम बाई आर होता है पोटेंशियल ड्यू टू दास इज माइनस जीएम बाई आर होता है तो बोला है कि सरफेस पे वीनोट दिया है तो बोला है पोटेंशियल एट एट पॉइंट हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस मतलब एक पॉइंट पे लिखना है पोटेंशियल जिसका हाइट अर्थ के रेडियस के कैसा हो जाए बराबर हो जाए अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पे जाना है यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है ये वैल्यू आर दिया है तो सेंटर से हमें डिस्टेंस हमेशा लेना पड़ता है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस आर विच इज इक्वल टू हाउ मच टू आर हो जाएगा ये पॉइंट पी हो जाएगा सो इफ यू विश टू राइट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया टू आर ना हो गया तो क्या इसका वैल्यू वन बाई टू इन टू जी कैपिटल एम बाई आर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और माइनस जी कैपिटल एम बाई आर का वैल्यू कितना दिया है वी नॉट दिया है उस पॉइंट पे पोटेंशियल वैल्यू कितना हो जाएगा? वी नॉट 2 बाई टू हो जाएगा, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा था सो वी हैं एकदम फंडामेंटल फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन है अर्थ हैज पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दिया माइनस टू जूल दिया हुआ है माइनस टू जूल देन द बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा सबसे पहली बात वही रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है एंड टोटल एनर्जी ई का जो वैल्यू होता है ये हो जाता है जो पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है ना इसका हाफ हो जाता है पहले बात याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी को आधा करते हैं तो टोटल एनर्जी निकल जाता है इस केस में जो टोटल एनर्जी होगा ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस टू है टू से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन जूल हो जाएगा ना सो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वन जूल कितना हो गया माइनस वन जूल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखता है क्या करके कर रखता है होल्ड करके कर कर रखता है तो इसको फ्री करने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं इस जगह सरफेस पे जब पार्टिकल को रखे हैं इसके पास जो भी टोटल एनर्जी होगा जो भी इसके पास टोटल एनर्जी होगा सैटेलाइट का हो अर्थ का हो तो बेसिक बात याद रखना है कि अर्थ पर रहता है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर अभी तो सैटेलाइट है ना सैटेलाइट के पास क्या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है तो टोटल एनर्जी निकालते हैं टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट के पास हुआ वो निगेटिव है तभी तो बाउंड हो गया सर अर्थ के चारों तरफ ही चक्कर लगा रहा है ना सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी निगेटिव है तभी तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है जैसी एनर्जी उसका पॉजिटिव हो जाएगा तो अर्थ को क्या बोलेगा एकदम टाटा बाय बाय बोल के बाहर निकल जाएगा ना ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे तो एनर्जी जितना इसका नेगेटिव है और टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है जूल दिया है इतना ही अगर सप्लाई करेंगे तो फ्री हो जाएगा और जितना एनर्जी सप्लाई करने से फ्री हो जाता उसको है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं तो इसका वैल्यू इस जगह पे कितना हो जाएगा वन जूल हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ अर्थ दिस वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई देखो अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जीरो होता है सरफेस पे मैक्सिमम होता है सरफेस के बाहर जाओगे ऊपर जाओगे तब भी डिक्रीज करेगा नीचे जाओगे तब भी डिक्रीज करेगा तो इसमें एट हाइट पे बात करेंगे फार्मूला होता है एट हाइट एच की अगर बात करते हैं एक्सेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूलाता है जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर और उसके बाद होता है इन डेफ अगर गहराई में जाके मेजर करते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी इन टू वन माइनस डी बाई आर होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है जी इंटू वन माइनस डी बाई आर होता है और हाइट की बात करेंगे तो उसमें कितना होता है जी बाई वन प्लस एच बाई आर होता है और ये दोनों ही केस में डिक्रीज़ करता है इसका ग्राफ होता है स्टैंडर्ड सा एकदम फैक्ट पूछा हुआ है ये सेंटर से जब निकलेंगे तो सरफेस तक जाने में जी का वैल्यू इंक्रीज करता है और सरफेस के बियॉन्ड जैसे ही मरोगे आप तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा ये घटेगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो क्या होते जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऐसा ऐसा डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा सो द बेस्ट रिप्रेजेंटेड ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज़ ग्राफ फोर क्योंकि सेंटर पे कितना है जीरो है और सेंटर से लेकर सरफेस तक इंक्रीज किया और सरफेस के बाहर गए तो ऐसा डिक्रीज़ करता हुआ बढ़ा और बहुत दूर जाने के बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाता है

मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी को रखा है इसका वेट दिया है बोला कि यहाँ पे इसको उठा कर ले जाइए जिसका हाइट कितना है हाफ ऑफ अर्थ रेडियस इस जगह पे इसका वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए अर्थ के सरफेस पे जो वेट होता है वो एम होता है और जिसका वैल्यू कितना दिया है नाइनटी न्यूटन दिया है और जी का वैल्यू किसी हाइट एच पे लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला कितना होता है जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्व टू जी डिवाइडेड बाई वन प्लस एच की जगह पे कितना लिखेंगे आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया खत्म जी डिवाइडेड बाई वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर मतलब थ्री बाई टू का होल स्क्वायर टू टू जहा फोर थ्री थ्री जा नाइन जी इसमें वेट का जब बात करेंगे उस जगह पे तो एम जी टू मतलब हाइट एज पे जो निकाले हैं तो जी टू का वेल्यू कितना है फोर बाई नाइन जी है तो वेट कितना हो जाएगा फोर बाई नाइन एम जी हो जाएगा और एम जी मतलब अर्थ सरफेस पे वेट हो गया जिसका वैल्यू कितना दिया था 90 दिया था 9 से हो जाएगा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 40 इस हाइट एच पे जो वेट का वैल्यू निकला वो कितना निकल गया 40 न्यूटन मतलब हमने क्या किया कि अर्थ सरफेस पे वेट दिया है तो वहां पे इसका फॉर्मूला लिखा और साथ ही साथ एच हाइट ऊपर पूछा है तो उस जगह पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा ये पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच तो वहां पे वेट का फॉर्मूला लगा देंगे कितना हो जाता है एम हो जाता है और जो पीछे से वैल्यू कैलकुलेट किया हमने उसको सब्टीट्यूट कर देंगे तो हमें एच हाइट पे कितना उस बॉडी का वेट होगा ये कैलकुलेट होकर मिल जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द स्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सर्फेस इज दिस किलोमीटर पर आवर होता है, होता है बोला कि मतलब इसका स्पीड कितना दिया है थ्री टाइम्स स्केप स्पीड दिया हुआ है बोला कि फार अवे फ्रॉम द अर्थ कितने स्पीड से चलेगा देखो इसको बनाने का लॉजिक ये होता है फार अवे फ्रॉम द अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जाने पे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता है तो यहां पे स्केप करने के लिए जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है और स्केप करने के बाद जो एनर्जी खत्म हो जाता है तो जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी होता है वो इस ऑब्जेक्ट का स्पेस में हो जाता है काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट लॉजिक है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एन टाइम्स स्केप स्पीड से अगर थ्रो कर देते हो तो जब फ्री स्पेस में जाएगा तो उसके स्पीड का फॉर्मूला होता है स्केप स्पीड इंटू एन स्क्वायर माइनस वन होता है ये फार्मूला याद रखना है स्पेस में जाने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है तो स्केप स्पीड इंटू रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस वन क्वेश्चन में बोला है कि थ्री टाइम्स से इसको थ्रो कर दे रहा है मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है थ्री दिया है सो विल राइट भी ए स्केप और ये कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस वन मतलब भी ए स्केप थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस वन मतलब भी ए स्केप इंटू कितना हो जाएगा अंडर रूट एट हो जाएगा तो वेलोसिटी इन स्पेस कितना होगा रूट एट का मतलब टू रूट टू होता है और अर्थ पे स्केप स्पीड कितना होता है एलेवन पॉइंट टू होता है जब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो वैल्यू कितना हो गया ग्यारह से ट्वेंटी टू और पॉइंट टू का हो गया फोर और ये कितना हो जाएगा रूट टू रूट टू का मतलब होता है वन पॉइंट फोर वन फोर तो ऐसे भी देख सकते तो जीरो हो जीरो होगा नहीं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर होगा नहीं एंड ट्वेंटी फोर वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट सेवन है बाकी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी वैल्यू इतना ही आएगा बट अर एम इज टू टिक द करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया है इसमें बोला न्यूली इन्वेंटेड प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ जैसे देखो एक हमारे पास दिया हुआ अर्थ है और एक है एकदम नया नवेला प्लेनेट दिया हुआ तो बोला है कि न्यूली इन्वेंटेड प्लेनेट क्या है ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ मतलब इसका डेंसिटी रो है तो इसका डेंसिटी कितना दिया है टू रो दिया है क्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लेनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ मतलब इसका जो प्लेनेट पे है वो कितना है टू टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका जी का तो पूछा जा रहा है कि बताइए इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा इस प्लेनेट का रेडियस कितना हो जाएगा देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है तो ये फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर होता है अब क्योंकि अर्थ मेरा इस की तरह ट्रीट करते हैं और इसका डेंसिटी हमको मालूम है तो इसका अगर मास लिखना पड़े तो कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है तो फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब होता है इससे ये खत्म हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई रो जी आर हो जाएगा ये होता है एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फार्मूला होता है अब क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे तो जो प्लैनेट का दिया हुआ है वो ट्वाइस में दिया हुआ किसका अर्थ का प्लेनेट के लिए फार्मूला लिखेंगे तो फोर बाई थ्री पाई ये किसका हो जाएगा रो प्लेनेट का हो जाएगा जी को छोड़िए और ये क्या हो जाएगा रेडियस प्लेनेट का हो जाएगा ये ट्वाइस हो गया और ये कितना लिखेंगे फोर बाई थ्री पाई रो जी आर हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई ख़त्म जी से जी खत्म हो जाएगा तो बचा कितना डेंसिटी प्लेनेट का बचा और रेडियस प्लेनेट का बचा बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ क्वेश्चन में बात बोला है कि प्लेनेट का जो डेंसिटी दिया हो कितना है ये दिया ट्वाइस अर्थ का डेंसिटी और रेडियस ऑफ प्लेनेट हो गया बराबर टू रो इनटू कितना हो जाएगा आर टू रो से टू रो कैंसिल हो जाएगा तो रेडियस ऑफ प्लेनेट की बात करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अपना वैल्यू ये मिल जाएगा एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फिफ्टीन क्वेश्चन सो लेट्स ऑन टू द नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द द रेशियो ऑफ काइनेटिक एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल हमने बताया ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वैल्यू कितना हो जाता है तो जी कैपिटल एम स्मॉल डिवाइडेड एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है ये नेगेटिव होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर होता है लेकिन क्वेश्चन में बोला है मैग्नीट्यूड निकालना है इसका मैग्नीट्यूड के साथ रेशियो निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी and that is equals to g capital m small m by 2r divided by g capital m small m divided by r is a cancel or इससे ये cancel तो finally value कितना आ जाएगा 1/2 so the answer of this question is 1/2 and that's how we solve the question number 16 next moving on to question number 17 a point mass is small m is placed inside a spherical shell ध्यान रखना स्फेरिकल सेल जब भी दिया हो ना बात तो सेल के अंदर में कोई तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है सेल के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है मतलब ई का जो वैल्यू दिया है वो जीरो हो जाएगा किसके लिए जब तक आर का वैल्यू लेस देन आर दिया है और ई का वैल्यू वही फार्मूला होगा जो एक पॉइंट मास का होता है आर स्क्वायर जब आपका पॉइंट चाहे तो सरफेस पे लाई करता हो या सरफेस के बाहर लाई करता हो तो जो सेल होता है सेल के अंदर में स्फेरिकल सेल है तो फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट मास एम रेडियस आर दिया है पॉइंट एम प्लेस्ड इन साइड तो कोई भी मास को यहां पर रख दीजिएगा तो यहां पर इसके अंदर में कोई फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है जब निकालते हैं फोर्स का वैल्यू तो मास इंटू फील्ड इंटेंसिटी होता है ना और फील्ड इंटेंसिटी ही जीरो हो गया तो मास में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा जीरो याद रखना है सेल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने से उसके ऊपर में वो फोर्स नहीं लगता है नेट फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तो नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बोला जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पहली बात की जियो स्टेशनरी जैसे ही टर्म यूज कर दिया इसका मतलब इस सैटेलाइट के मूव करने का टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना अर्थ के रिवोल्यूशन का होगा अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होता है तो इसका टाइम पीरियड 24 फोर आर होगा और बोला हाइट कितना दिया है सिक्स आर ई दिया है रेडियस कितना हो जाएगा अर्थ सरफेस से हाइट सिक्स आर और हमको सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ता है तो ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा सेवन आर दिया हुआ है बोला टाइम पीरियड ऑफ अनदर अदर सेटेलाइट हुज़ हाइट मतलब दूसरे वाले का टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा जिसका हाइट टू पॉइंट फाइव दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाइट जो दिया है इसमें अर्थ का रेडियस जोड़ेंगे ना कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव आर याद रखना है हमेशा कि जो डिस्टेंस हमको लेना है वो ऑलवेज अर्थ के सेंटर से लेना है और ये जो सैटेलाइट मोशन कर रहा है इसका क्या दिया हुआ है इसका अर्थ सरफेस से हाइट दिया हुआ है सेंटर से निकालने के लिए रेडियस इसमें जोड़ देंगे अब बढ़ते हैं कैपलर्स लॉ बोलता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है रेडियस का क्यूब तो दो केस का टाइम पीरियड है तो टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर बराबर आर टू क्यूब बाई आर वन क्यूब लिख सकते हैं क्या मतलब ये वैल्यू हो जाएगा आर टू बाई आर वन का क्यूब हो जाएगा आर टू कितना हो जाएगा थ्री पॉइंट फाइव आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना है सेवन आर पावर थ्री सेवन पॉइंट फाइव से टू सेवन थ्री पॉइंट फाइव से सेवन को कैंसिल करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा तो वन बाई टू की पावर थ्री और टू की पावर थ्री है इसमें जब हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है ये हो जाता है एट हो जाता है टू की क्यूब कितना हो जाता है एट हो जाता है और ये कितना है टी टू बाई टी वन का होल स्क्वायर तो इस जगह से देखोगे आप टी टू बाई टी वन कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर वन बाई एट जिसका वैल्यू कितना हो जाता है वन बाई टू रूट टू हो जाता है इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो टाइम पीरियड टी टू कितना हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा टी वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू क्योंकि टी वन जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था तो ट्वेंटी फोर आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू रूट टू टू से हो जाएगा ट्वेल्व टाइम्स और रूट टू से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स रूट टू तो दूसरा वाला जो सैटेलाइट हो जाएगा इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा सिक्स रूट टू आर इसका वैल्यू हो जाएगा सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने बेसिक बात को ध्यान में रखा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड ट्वेंटी फोर आर होता है और साथ ही साथ जो कैपलर्स लॉ होता है उसके हिसाब से टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का क्यूब और ये दो का यूज़ किया फिर मैथमेटिकली हमने उसका रेशियो निकाला और रेशियो निकाला तो पता चला कि टाइम पीरियड का वैल्यू जो दूसरा वाला सेटेलाइट है उसका सिक्स रूट टू आर वैल्यू आएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये सवाल दिया है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद अब बाई फोर आर जी फ्रॉम द सर्फेस द वेलासिटी ऑफ पार्टिकल एट ए हाइट इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अभी तो क्वेश्चन इतना आसान है कि क्या ही कहा जाए लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलती कर देंगे देखो पॉइंट की बात ये होती है कि यह दिया है क्या है अपना अर्थ दिया है और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो यह ऑब्जेक्ट चलता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर क्या हो जाएगा फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा तो ये मैक्सिमम हाइट जैसे ही टर्म यूज़ कर दिया मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि ये उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है इसका मतलब कि इस जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो मैक्सिमम हाइट का मतलब कि उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है इसका मतलब कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इसी के साथ चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ ये सवाल क्या है बोलता है कि वेन एनर्जी ऑफ सेटेलाइट अर्थ सिस्टम इज नॉन जीरो पॉजिटिव देन सेटेलाइट विल सेटेलाइट क्या हो जाएगा बताया था ना कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ इसीलिए मूव करता है क्योंकि अर्थ इसके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा होता है अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई करता तो सैटेलाइट क्या हो जाता है इस फील्ड को छोड़कर बाहर चल जाता अट्रैक्शन फोर्स नेट होता है अगर लग रहा होता है तो टोटल एनर्जी कैसा होता है निगेटिव हो जाता है अगर किसी भी तरीके से एनर्जी अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो पॉजिटिव करेंगे वैसे ही ये सैटेलाइट जो दिया है ये घूमना बंद कर देगा और क्या कर जाएगा ये यह यहाँ से स्केप कर जाएगा बाहर चला जाएगा और क्योंकि आपने कुछ पॉजिटिव एनर्जी दिया है जीरो हो जाता है एनर्जी तब भी स्केप कर जाता है निगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है मतलब स्पेस में जाके कुछ इसके पास एनर्जी होगा काइनेटिक होगा इस वजह से वहाँ पे इंटरस्टेलर स्पीड मतलब कुछ स्पीड से वहाँ पर चलेगा तो ये यह यहाँ से स्केप आउट हो जाएगा क्योंकि एनर्जी इसका पॉजिटिव है तो ये हमने ट्वेंटी क्वेश्चन थे इसको कंप्लीट कर लिए अगर आपने यहाँ आखिरी तक इसको देखा है देन परफेक्ट आपका परफेक्ट तरीके से रिवीजन हो गया होगा और ये कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन आपका हो चुका है यहाँ पे इस पूरे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से इसको ले सकते हैं एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन थैंक यू एंड बाय